हेलो एंड वेलकम टू पूनम्स किचन। आज की रेसिपी है वड़ा पाव। नहीं नहीं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वड़ा तो खाना पसंद है लेकिन पाव खाना पसंद नहीं करते। तो आज की रेसिपी उनके लिए है जिन्हें वड़ा तो खाना है लेकिन पाव नहीं खानी। वड़े के लिए आलू का मसाला सेम वैसे ही रेडी करना है। आइए जल्दी से आलू का मसाला कैसे बनाया है देख लेते हैं। पैन में लेना है तेल, उसमें डाल देनी है राई, करी पत्ते, हरी मिर्च और लहसुन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बस मिला देना है और डाल देने हैं बॉइल्ड एंड मैश्ड आलू। उसमें डाल देना है नमक, थोड़ा सा चाट मसाला। अब इसमें डाल देना है बिल्कुल थोड़ा सा पानी, मिला देना है। ये आलू का मसाला रेडी है। बेसन में नमक, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी बेकिंग सोडा डालकर इस तरह से बैटर तैयार करना है। अब दूसरी तरह से बना रहे हैं। इसमें मैंने क्या किया है, एक पनीर के पीस को आलू के मसाले से कवर कर दिया है और इसे बेसन से कोट करके डीप फ्राई किया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये रेडी है पनीर वड़ा। अब इसे इस तरह से दो कट्स लगाने हैं। इसमें मैंने डाली है ग्रीन तीखी चटनी, इमली और गुड़ की खट्टी मीठी चटनी, थोड़ी सी डाली है मेयोनीज और डाली है चीज़। अब दूसरी तरह से बना रहे हैं। ये मैंने दो पीसेस पनीर के लिए हैं और इनके बीच में डाल दिया है आलू का मसाला। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये इस तरह एक सैंडविच लग रही है, दोनों साइड से पनीर है और बीच में है आलू का मसाला। अब इसे बेसन से कोट करना है और करना है डीप फ्राई। ये रेडी है पनीर वड़ा। इसे सॉस या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बिना पाव के भी खा सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।